डायल 112 के पुलिसकर्मियों को भी करनी पड़ती है कड़ी मशक्कत। अज्ञात जगहों से आते हैं फोन, ऐसे में कड़ी मशक्कत कर निर्धारित समय के अंदर कालर तक होना होता है पहुंचना। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के भगवानपुर बनकट ननपुरवा का यह पूरा मामला है, जहां से एक कालर ने फोन करके अपने ही बेटे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए डायल 112 की सहायता मांगी, जिस पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगहों से रास्ता घूमा हुआ था, गन्ने के खेत थे, उन्हें पार करते हुए गंतव्य तक पहुंचा गया। कालर सही तरीके से रास्ता भी नहीं बता पा रहा था, बार बार फोन करने पर किसी प्रकार से भगवानपुर बनकट के ननपुरवा गांव में पुलिस पहुंची। यहाँ पहुँचने पर पता चला कि एक बुजुर्ग व्यक्ति राम नारायण ने अपने ही छोटे बेटे पर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का आरोप लगाया था, उसे कमरे में बंद कर रखा था। जब पुलिस पहुंची तो उसे बाहर निकाला गया। ऐसे में लड़का खुद अपने पिता पर ही आरोप लगाने लगा कि उसके साथ मारपीट की जाती है और खाना कपड़ा भी नहीं दिया जाता है। हालांकि लड़के की ही गलती निकली और बताया गया कि लड़का थोड़ा बदमाश किस्म का है, अपने बड़ी भाभियों के साथ भी मारपीट किया करता है। यहाँ पर कई बार डायल 112 की पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को देखकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के भगवानपुर बनकट ननपुरवा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद डायल 112 मौके तक पहुंच सकी। पिता ने बताया कि बच्चा काफ़ी परेशान करता है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है, साथ ही मारपीट गाली गलौज करता है, घर में रखे मोबाइल वगैरह भी उसने तोड़ दिए हैं। ऐसे में पुलिस ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के भगवानपुर बनकट के ननपुरवा का यह पूरा मामला है, जहां से एक पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ गांव शिकायत की। ननपुरवा का दिक्कत है? अब हमें बहुत तंग कर दी है। के ये नहीं ये क्यों होता है? ये हमारा लड़का हूँ। खाना है के? सूरज कई साल का? 12-13 साल का है। तो ये तो कह रहा है कि हम ही को खाना कपड़ा नहीं दे रहा। खाना कपड़ा पूछो, बीटीएस पूछ लो, पतो से पूछ लो कि कत्ता खाना कपड़ा। सबको मारता है क्या? सबका गरिया होते बहुत ज्यादा बेजा।